मकर संक्रांति का त्यौहार आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या से काशी तक मकर संक्रांति की धूम है। अयोध्या में मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। इस कड़ाके की ठंड में वाराणसी में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। हरिद्वार में भी कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी पड़ी और हजारों श्रद्धालुओं ने माँ गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया। गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु स्नान के बाद दान पुण्य करते हैं और आज के इस पर्व को मनाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग गंगा घाटों से, जहां पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयागराज से मकर संक्रांति के त्योहार में किस तरह की धूम है इन जगहों पर, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सरयू तट से आपको दिखाते हैं कुमार कुंदन की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर भारत में बेशक ही ठंड बहुत ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, सब लोग सुबह सुबह स्नान करके आए हैं। और ये कहाँ से आए, इनसे कहाँ से आप लोग आए हैं, यहाँ पे कहाँ से हैं आप लोग? झारखंड से हम लोग हैं। स्नान हो गया? हो गया। और ये कलश में क्या है? ये गंगा जल है। गंगा जल है, सरयू जल। मने ठंड वंड नहीं लग रही? नहीं नहीं, ठंड कहाँ लगती है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। सुबह सुबह आप लोग जय श्री राम हो गया? आप लोग जय श्री राम हो गया? पूरे दिन ही चलता है जय श्री राम। तो हम राम के दरबार में आए हैं, राम हमारे, हम राम जी के। कहाँ फिर जाएंगे आप लोग? यहाँ हम लोग यहाँ से सरयू जी का जल और यहाँ का मिट्टी हम अपने हुसैनाबाद लेके जाएंगे और वहाँ हम लोग 22 तारीख को यहाँ जलाशय में प्रवाहित करके और 11,000 दीपों को जलाएंगे ना। ये हम लोग का कर्तव्य था, उसी के तहत हम लोग यहाँ आए हैं। और आज अहम संयोग भी बन रहा है, जो इतना बढ़िया संयोग बन रहा है, शायद हमारे पूर्वज यह संजोग को देखे हों ना। और राम जी इसी महीने आने वाले हैं। और बाकी क्या बोलना है, सनातनियों के लिए कोई ठंड नहीं लग रही है। हम लोग 4 बजे भोर से स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे कोई ठंड नहीं लगा रहे हैं। भजलो राम के नाम, भजलो राम के नाम होगा तेरा सुफल काम। भजलो हरि हरि, भजलो हरि हरि भाई, भजलो हरि हरि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। के नारों के साथ अयोध्या में सुबह की शुरुआत हो रही है और ये वो तस्वीर है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। मकर संक्रांति का त्यौहार कुछ लोग आज मना रहे हैं और सरयू तट पर ये लोगों और की भीड़ है। आस्था इतनी ज्यादा है कि ठंड का कोई असर नहीं है और लोग जो है तमाम यहाँ पे आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर भी पहुंचे। सीएम ने ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में पूजा की और खिचड़ी का भोग लगाया। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। और मकर संक्रांति के मौके पर देश में कई जगहों पर पवित्र नदियों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन स्नान दान कर लोग पुण्य के भागी बनते हैं। देशभर में उत्तरायण की धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां सुबह से ही गंगा स्तुति और आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन कर दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये भी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं और इसलिए भी इस शुभ मुहूर्त को मकर संक्रांति कहा जाता है।
आज के दिन पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के कुंडली से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरण हुई थी और राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में पहुँची थी। इस दिन बिहार में चूड़ा दही और खिचड़ी खाई जाती है, वही तिल गुड़ खाने की भी परंपरा है।